आंखें बंद करो। क्यों? करो तो सही। ठीक है, अब अपनी आंखें खोलो। ये आईफोन मेरे लिए? हाँ, तुम्हारे लिए। थैंक यू। मेरे साथ ऐसा मजाक? अच्छा सैड हो तो आईफोन मेरी जेब में है। अगर नहीं निकला ना फिर देखना। अच्छा खुद ही देख लो। लो वैसे ये असली तो है ना? मेरे को देना ही नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। चले अब। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें, आप ही बताएं हम क्या करें। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें, आप ही बताएं हम क्या करें। आपसे भी हंसी है आपकी सदा पर क्यों ना मरे। भाई दो कैपेचिनो ले आना। और भाई मैंने सुना तुमने नया आईफोन लिया है। नहीं यार, वो ना प्रीत के लिए लिया था। प्रीत के लिए? वो भी आईफोन? हाँ तो भाई तुझे नहीं लगता वो तुझे काट रही है? क्योंकि ये आईफोन जैसी डिमांड ना गोल्ड डिगर टाइप लड़कियां करती है। यार रुस्तम, मेरे सारी फ्रेंड्स के पास आईफोन है, पता नहीं मैं कब ले पाऊंगी। टेंशन मत लो, जल्दी ले पाऊंगी। पागल यार, वो ऐसी नहीं है यार। वो तो आईफोन मैंने खुद दिलाया है, उसने थोड़ी ना मांगा है। और वो मेरे से बहुत प्यार करती है। फिर तो भाई तू उसके प्यार में अंधा हो गया है। भाई वो प्यार ही क्या जिसके सामने सब अंधेरा ना लगे। बेटा जब अंधेरे से बाहर आओगे ना तब पता चलेगा। हाँ हाँ चल कॉफी पी। हेलो, क्या कर रहे हो? बस तुम्हें मिस। अच्छा जी, मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। अच्छा जी, सच में? हाँ सच में। अच्छा सुनो। हाँ जी सुनाओ। कल फ्री हो? मिलते हैं। नहीं यार, मिलना तो चाहता हूँ बट यार कल एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। अगर मीटिंग सक्सेसफुल हुई ना तो मेरी कंपनी को बहुत प्रॉफिट होगा। ठीक है फिर मीटिंग के बाद मिलना। हाँ जी चलो ठीक है, मैं थोड़ा काम कर लूँ, मेल वगैरह करना है, तो बाद में बात करता हूँ। ठीक है बाय। अब फ्री होके कॉल करना। ओके बाय, टेक केयर। फोन में क्या कर रहा है? विंजो ऐप, तू भी ट्राई कर। विंजो ऐप ये क्या है? विंजो ऐप इंडिया का बिगेस्ट गेमिंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे तू देख लूडो, क्रिकेट, कॉल ब्रेक, पूल जैसे 70 प्लस गेम खेलकर जीत सकता है 50 लाख रुपए तक कैश। और यहाँ पे तू फ्री और पेड दोनों तरीकों से खेल सकता है। और जो क्रिकेट और फुटबॉल देखने वाले हैं ना, वो यहाँ पे अपनी फैंटेसी टीम बनाकर जीत सकते हैं। क्या बात कर रहा है? और सारे गेम में तुझे रियल प्लेयर मिलेंगे, जिससे तेरा जीतना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। और जो भी तेरा कैश है तू उसे इजिली विड्रॉ कर सकता है पेटीएम, यूपीआई या किसी भी बैंक ट्रांसफर के थ्रू। सच में भाई? और तुझे पता है यहाँ पे विंजो स्टोर भी है, जहाँ पे तुझे मिलेगा फ्री फायर डायमंड इंडिया में चीपेस्ट प्राइस पर, और बिगेस्ट ब्रांड जैसे मिंत्रा, हॉटस्टार, डोमिनोज एक्सेट्रा के डिस्काउंट कूपन। तो पैसे भी कमाओ और जीतो भी। और तुझे पता है यहाँ पे रोज 7 दिन स्पिनर घुमाने पे तुझे क्या मिल सकता है? KTM, रॉयल एनफील्ड, iPhone 13 भी जीत सकता है। तो देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर। अगर तू अभी डाउनलोड करता है तुझे 50 रुपये का बोनस भी मिलेगा। चल भाई अभी डाउनलोड करता हूँ विंजो ऐप को। हाँ डाउनलोड कर। कॉफी ठंडी हो रही है। अरे हाँ यार। हाँ यार, अगर आज पैसों का इंतजाम ना हो पाए ना तो दादी का ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। क्या वो प्रीत, किसके ऑपरेशन की बात चल रही है और कैसे पैसे चाहिए? कुछ नहीं, तुम ये बताओ तुम्हारी मीटिंग कैसी रही? पहले तुम बताओ कि किसका ऑपरेशन और कैसे पैसे। तुम्हें मेरी कसम है यार, वो एक्चुअली दादी के ऑपरेशन के लिए 3 लाख रुपए चाहिए, तो बस उसी के बारे में फ्रेंड से बात कर रही थी कि कहीं इंटरेस्ट पे मिल जाए तो। यार इतनी बड़ी बात है, तुमने मेरे को बताना जरूरी नहीं समझा? पर वो बस यार रहने दो तुम। हेलो भाई,
सुन यार, एक काम कर, मेरे घर पे जा और ना बेड के नीचे लॉकर की की रखी होगी, वहां से ना 3 लाख रुपए लेकर आ। मैं तेरे को लोकेशन सेंड कर रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ? यार तू लेकर तो आ, मैं तेरे को यही बताता हूँ। ठीक है, लेकर आता हूँ। ठीक है। यार तुम खामखा परेशान हो रहे हो। तुम तो चुप ही रहो, तुम्हारी दादी क्या मेरी दादी नहीं है? ये ले भाई, ये लो पैसे, और कोई और दिक्कत हो कॉल जरूर कर लेना। ठीक है। अबे तुमने इतने पैसे उसे ऐसे दे दिए? भाई उसके दादी का ऑपरेशन था इसलिए इतने पैसे दिए उसे। तुझे पक्का पता है ऑपरेशन ही है? हाँ भाई ऑपरेशन ही है, और वो मेरे से झूठ नहीं बोलेगी यार, तू ज्यादा सोचता है। देख रहा हूँ भाई, ऐसे चलता रहा ना तू जल्दी बर्बाद हो जाएगा। यार वो ऐसी नहीं है, तू ज्यादा नेगेटिव मत सोच, ठीक है? चल मैं घर निकल रहा था, तुझे छोड़ दूंगा। नहीं यार तू जा, मुझे डिस्ट्रिक्ट सेंटर जाना है, कुछ काम है। चल ठीक है, शाम को मिलते हैं। ओके। हो गया काम। प्रीत चा, कुछ तुम तो कह रहे थे कोई ऑपरेशन करवाना है। मुझे पता था तुम ये जरूर कर दोगी। वो कुछ ज्यादा ही भरोसा करते हैं मुझ पे। तो ये तो और भी अच्छी बात है, हम तो यही चाहते हैं ना। ये देखो, ये है रुस्तम, इसके आगे पीछे कोई भी नहीं है और इसकी खुद की कंपनी है। तुम्हें बस इतना करना है, इसे अपने प्यार के जाल में फंसाना है। हाँ रुस्तम को यकीन नहीं होता ना मेरी बातों का, पापा चलेगा उसे। हेलो रुस्तम, कहाँ है? घर पे हूँ। ठीक है, मैं वही आ रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ? आके बताता हूँ। ये देख, अपनी प्रीत के कारनामे। ये सब मुझे पहले से ही पता है। बेबी तुम टेंशन मत लो, मैं रुस्तम से पैसे कैसे ना कैसे निकलवा ही लूंगी। हाँ यार, अगर आज पैसों का इंतजाम ना हो पाया ना तो दादी का ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। तो फिर भी उससे प्यार करता है? हाँ भाई बहुत प्यार करता हूँ, ये सारी दौलत के बिना तो रह लूंगा बट उसके बिना नहीं। और एक ना एक दिन उसे मेरे सच्चे प्यार का एहसास जरूर होगा। कहीं ऐसा ना हो कि उसे एहसास ही ना हो और सब कुछ खत्म हो जाए। प्यार में इतना अंधा होना भी ठीक नहीं है। प्यार में बहुत ताकत होती है, जब किसी को होता है ना उसके सिवा उसे कुछ नहीं दिखता, और मुझे यकीन है उसे एक ना एक दिन जरूर एहसास होगा। चल ठीक है यार, वैसे तेरी बातें मेरे पल्ले तो नहीं पड़ रही, पर तू तो अपना ख्याल रखियो। ओके, जब तुझे प्यार होगा ना तब तेरे पल्ले पड़ेंगी ये बातें। नहीं यार मुझे नहीं चाहिए ऐसा प्यार, तू ही रख, हम तो सिंगल ही ठीक है। मैं क्या सोच रही थी, मैं घर बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ तो खुद का बिजनेस स्टार्ट कर लूं। ये तो बहुत अच्छी बात है यार। हाँ, और नाम होगा रुस्तम एंड प्रीत ट्रेडर्स। अच्छा, मेरे नाम से इतना प्यार? हाँ, बहुत प्यार करती हूँ। क्यों, तुम नहीं करते? अगर तुम मुझे कभी धोखा भी दोगी ना फिर भी प्यार करता रहूंगा, इतना प्यार करता हूँ तुमसे। वैसे मैं तुम्हें धोखा क्यों दूंगी? अरे वो बस एक बात बोल रहा था पागल, और मुझे पता है तुम मेरे से बहुत प्यार करती हो। अब खा लो, ठंडा हो रहा है पास्ता। बड़ा महसूस हुंदा ए तेरा महसूस ना करना, बड़ा ही औखा लगदा ए दिल दियां पीड़ां नू झरना। बोल बोल के तिखे टोटे दिल दे जो किते नी मैं रोंदा। क्या हुआ, सिग्नेचर हुए? नहीं पर जल्दी हो जाएंगे। ठीक है। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। उसके बारे में ज्यादा मत सोचो, तुम्हें जो काम दिया है उसे जल्दी से फिनिश करो। ठीक है चलो। हेलो हेलो,
कहाँ हो? यही घर पे हूँ, क्या हुआ? वो तुम्हें बताया था ना मैंने न्यू बिजनेस के बारे में, उसी से रिलेटेड तुम्हारे कुछ सिग्नेचर चाहिए थे। अच्छा एक काम करो, तुम घर पे आ जाओ, सिग्नेचर भी कर दूंगा और थोड़ी बातें भी हो जाएंगी। ठीक है, अभी आ रही हूँ मैं। ओके ठीक है। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना के लाता हूँ। सब कुछ रेडी हो चुका है क्या? हाँ, बस तुम्हारे सिग्नेचर चाहिए थे। लो साइन कर देता हूँ। सच तो दस दे, दिल मेरा तोड़ दे, अब ना सहा जाए, झूठ तेरी होर दे। वैसे प्रीत, मैं क्या सोच रहा था, अपने कंपनी के शेयर तुम्हारे नाम कर देता हूँ, क्योंकि जो मेरा है वो तुम्हारा भी तो है। अच्छा, तुम्हें नहीं लगता तुम मुझ पे कुछ ज्यादा भरोसा करते हो? जहाँ भरोसा नहीं होता वहाँ प्यार नहीं होता, और तुम्हें तो पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। कॉफी ठंडी भी पी लो। मेरी वफाओं का रब्बा इंसाफ करे, मैं माफ कर दूँ तेनू रब ना माफ करे। हेलो, हो गए सिग्नेचर। शाबाश, मुझे पता था तुम्हें जरूर कर लोगी। बस अब एक आखिरी काम रह गया है। कौन सा काम? उसे अपने रास्ते से हटाना है। मतलब? मतलब कि उसे कॉल करो और यहाँ पे बुलाओ। क्यों? उसे अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा, तुम कॉल करो और उसे बुलाओ। ठीक है। मैं तुम्हें लोकेशन सेंड कर रही हूँ, जल्दी आओ। हुआ क्या? पहले तुम आओ तो सही, अर्जेंट है। ओके ठीक है, आ रहा हूँ। ओके। क्या वो ब्रिज इतना अर्जेंट क्यों बुलाया? मैं बता तो ना ब्रदर, क्या हुआ है? देख ब्रो, जिससे तू प्यार करता है वो मुझसे प्यार करती है, और ये सब मेरा प्लान था तेरी प्रॉपर्टी पाने के लिए। मैंने सोचा मरने से पहले तेरे को सच्चाई तो पता चल जाए। नहीं, ये लो प्रीत, अपने सासी को तुम ही मारो। गोली मारनी है ना तो यहाँ मारो। और ये सब मुझे पहले से ही पता था, बट मुझे लगा था यार कि मेरा प्यार तुम्हें बदल देगा, बट मैं गलत था, क्योंकि पैसों के आगे ना प्यार की कोई कीमत नहीं। कोई किसी से इतना प्यार कैसे कर सकता है रुस्तम? बेबी ये क्या कर रही हो तुम, पागल हो गई हो क्या? पागल तो मैं पहले थी जो तुम्हारे नकली प्यार के चक्कर में पड़ी थी, पर अब सब कुछ मुझे पता चल चुका है। बस एक बार प्रीत पेपर पे सिग्नेचर करवा ले, फिर वो उसे मार देगी और मैं उसको, फिर हम दोनों पूरी लाइफ एंजॉय करेंगे बेबी। प्लान तो बहुत अच्छा बनाया। अच्छा चलो अब तुम जाओ, उसका आने का टाइम हो गया। नहीं प्रीत, गोली मत चलाना, उसे माफ कर दो। ये माफी के लायक नहीं है। मैंने भी सब जानते हुए तुम्हें माफ किया था ना। तुमसे ही सीखा हमने है मुस्कुराना।
बहुत बड़ी गलती हो गई। कोई बात नहीं, कम से कम मेरे प्यार का एहसास तो हुआ। तुमने सिखाया हमको है दिल लगाना, यूं तुमसे ही सीखा हमने है मुस्कुराना। हे गाइस, तो गाइस वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और मेरा चैनल इट्स रुस्तम भी सब्सक्राइब कर लेना। तो जल्दी मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, और हाँ, इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।